लेकर मची सियासत के बीच बीजेपी की राज्यसभा सांसद सरोज पांडे ने दो टूक कहा है कि इस मुद्दे पर गांधी के नाम पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। इस दौरान उन्होंने स्वराज एक्सप्रेस से खास बातचीत की। महात्मा गांधी की 150वीं जयंती के मौके पर छत्तीसगढ़ विधानसभा में दो दिवसीय विशेष सत्र का आयोजन किया गया। सत्र के पहले दिन गांधी की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया गया है। बीजेपी के तमाम सांसदों को भी इस कार्यक्रम में आमंत्रित किया गया है। किस तरीके से देखते हैं इस आयोजन को? राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की ये जयंती, इस पर कहीं राजनीति नहीं है और राजनीति हम नहीं करना चाहते हैं। हम मानते हैं कि कुछ आयोजन राजनीति से दूर होने चाहिए। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने आज से पदयात्रा की शुरुआत की का आह्वान सभी सांसदों से किया है। उन्होंने ईमानदारी के साथ में हमारे महात्मा गांधी जी के जो उद्देश्य रहे हैं, जो सिद्धांत रहे हैं, उसे देश में प्रतिपादित करने की कोशिश कर रहे हैं। चाहे वो प्लास्टिक के बहिष्कार की बात हो, चाहे स्वच्छता की बात हो, चाहे स्वदेशी अपनाने की बात हो, मुझे लगता है कि राज्य सरकार भी इस सिद्धांतों पर चले तो इस राष्ट्र के साथ साथ हमारे प्रदेश का भी भला होगा। मेरी बहुत सारी शुभकामनाएं हैं। लेकिन मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ये कह रहे हैं, आप कहते हैं राजनीति नहीं होनी चाहिए, लेकिन उनका ये कहना है कि बीजेपी को स्पष्ट करने की जरूरत है कि बीजेपी गांधी की विचारधारा को मानती है या फिर गुटसे की। मुझे लगता है कि ये आपके स्वयं के समझने का विवेक है कि हम किसे मानते हैं। व्यक्ति अपने अपने हिसाब से भाषाओं को परिभाषित कर सकता है, वो अपनी परिभाषा स्वयं गढ़ लें। महात्मा गांधी जी के विषय पर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो कहा है उसे परिभाषित करने की आवश्यकता नहीं है, ना हम परिभाषित करना चाहते हैं। स्वयं के विवेक से मुख्यमंत्री जी को निर्णय करना चाहिए। ये थी सरोज पांडे, राज्यसभा सांसद, और जिस तरीके से बीजेपी के गांधी प्रेम को लेकर कांग्रेस सवाल उठा रही है उसका जवाब भी देती है कि जो सवाल उठाने वाले लोग हैं उन्हें खुद इसे परिभाषित किए जाने की जरूरत है। कैमरामैन अखिलेश पवार के साथ आशीष तिवारी, स्वराज एक्सप्रेस, रायपुर।